हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ्लानर। श्रेणी नवम एवं दशम पिले 2022-23 सेक्शन पाई ओडिशा सरकार द्वारा श्रेणी नवम और दशम पिला मानक पाई गोटे प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति अणा जाइछि, जो थे क्लास नाइन्थ और क्लास टेन्थ पिला माने अप्लाई करि परिबे। अप्लाई तारीख पहले नवंबर 3 रु स्टार्ट हो सारी। एटा मुख्यतः पिला माने हमर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, संख्यालघु संप्रदाय एवं पछवर्ग विभाग पिला माने आवेदन करेंगे। यह सहित आउ सब कौन सब टर्म एंड कंडीशन अच्छी, किपर अप्लाई कर, सहित केते छात्रवृत्ति मिल, ये सब जिन भिडे डिस्कस करवा। तेणु समस्त भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखा, कहीं भिडियो पे बहुत इंपोर्टेंट अटे, बुझीपुना ता जाना निहत आवश्यक। देख पिले, यहाँ हूँ आम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओडिशा सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति उन्नयन एवं संख्यालघु संप्रदाय और पछवर्ग कल्याण विभाग, ठीक अच्छे, नवम और दशम श्रेणी पर प्राक मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना। देख टी कौन लिखागला, नवम और दशम श्रेणी में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थ हो पाने एस टी शेड्यूल जहाँ आम शेड्यूल ट्राइब बोली कहींपर, अनुसूचित जाति अर्थ हो एस सी, अन्यान्य पछुआ वर्ग, ठीक अच्छे, अन्यान्य पछुआ वर्ग आउ सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर। ये पाने ओबीसी पिले भी आसपर, तापर आगे आस आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर। एठार आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर अर्थ हो इकोनोमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, अर्थात एथेर जनरल पिला आसे, बुझीपुना, अर्थात जनरल पिला मतलब अप्लाई करेंगे कि इकोनोमिक वीकर सर्टिफिकेट थी पड़े, ना आवेदन करें। नवम दशम श्रेणी छात्रवृत्ति पाइबा योग्यता, देख योग्यता कौन देखिए कौन मैंने अप्लाई करेंगे ना, देख आवेदनकारी एक एस टी हो पड़ो, ना एस सी हो पड़ो, नले अन्यान्य पछुआ वर्ग व सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर जो थे ओबीसी आसव, एवं आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर जहाँ को साधारण वर्ग कहु मीनस जनरल पिला भी आवेदन करेंगे। द्वितीय कंडीशन है आवेदनकारी ओडिशार स्थायी बासिंदा होते, अर्थात ओडिशार पिले ही आवेदन करेंगे, बाहर पिला आवेदन करेंगे ना। तृतीय कंडीशन है आवेदनकारी पारिवारिक वार्षिक आय मीनस फेमेल इनकम टोटाल इनकम वर्षक 2,50,000 टकर कम हो पड़ो, अधिक हेल्ले हम ना। नेक्स्ट है जी अप्लाई करेंगे से जो स्कूल रे पढ़ुवे क्लास नाइन्थ और क्लास टेन्थ से स्कूल रो गोटे यूडाइस कोड थी, यूडाइस कोड कौन एटा तुम तुम स्कूल रो सार को पचार दबो से भलसे कहीदेवे। प्रत्येक स्कूल पर पिला माने गोटे गोटे नंबर था, जमीन प्रत्येक पिलार जिते मेट्रिक परीक्षा हो कि नाइन्थ रो बोर्ड परीक्षा हो जो दौरान तार जिन गोटे रोल नंबर था, प्रत्येक स्कूल रो गोटे नंबर था, तो नंबर थिबा को निहा दरकार। तो आवेदनकारी वैध यूडाइस कोड प्राप्त सरकारी किंवा मान्यता प्राप्त बेसरकारी विद्यालय में पूर्णकालीन भित्तिर अध्ययनरत, अर्थात प्राइवेट स्कूल में पढ़ू कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ू, जदि से स्कूल ठीक यूडाइस कोड अच्छी तो से आवेदन करपर। नेक्स्ट आसला अन्यान्य पछुआ वर्ग सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग, आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग, छात्र छात्री मैंने केवल सरकारी विद्यालय अध्ययन करते ही हम। ये कहला जे ओबीसी पिला आउ जनरल जो मानकर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन में आस दुई कैटेगोरी गोटे एक्स्ट्रा कंडीशन रखिले जमने केवल सरकारी विद्यालय ही अध्ययन थे ही हम, एम जदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ुं तो यमर हो पार ना, जदि प्राइवेट स्कूल गोटे यूडाइस कोड था यूडाइस कोड था ना कहीं, कितु एस सी एस टी रु जो मैंने बिलंग कर एस सी एस टी जो मैंने बिलंग कर पिला गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ू कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ू से आवेदन करेंगे, कितु ओबीसी आउ इकोनोमिकल वीकर सेक्शन पिला एमने केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ुते ही आवेदन करेंगे, ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला वृत्ति राशि केत अच्छे, देख जो मैंने अनुसूचित जनजाति मीनस एस टी जो मैंने अच्छा से मैंने जदि दिवादार्थी अर्थ हो स्कूल को जी आसा कर तो वर्षक 3,000 टाँचा मिल वृत्ति, आउ अंतवास जो मैंने हस्टेल रोचान से मिल 6,250 टाँचा। अनुसूचित जाति मीनस एस सी, एस सी जी की स्कूल को जी आसा कर 3,500, आउ अंतवासी को मिल 7,000। अन्यान्य पछुआ वर्ग सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग मीनस ओबीसी कैटेगोरी जी हो वर्ष मिल 4,000, आउ अंतवास होते मतलब से 4,000। आर्थिक क्षेत्र अनग्रसर मीनस इकोनोमिकल वीकर सेक्शन जी थी जनरल जनरल पिला मिल 4,000, आउ अंतवास होते मतलब से 4,000 मिल। देख आवेदन किपर करेंगे, शिक्षा वर्ष 2022-23 आवेदन प्रक्रिया 3 नवेम्बर 2022 आरंभ हो सारी, तो ये कौन कराया पड़ा ना पिने जो आवेदन करेंगे से मैंने विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षयत्री मध्यम आवेदन करेंगे, को बाहर को जबार दरकार ना। तेणु समस्त योग्य छात्र छात्री मैंने योग्य मीनस आउ कंडीशन गुड़िक कहगला आ अनुजाई बिलंग करो तो से
निजर जाति माने कैस्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आधार आउ बैंक पासबुक कहल को चाहूँ गोटे कैस्ट सर्टिफिकेट तापर आसला इनकम सर्टिफिकेट तापर आसला आधार कार्ड जेरॉक्स तापर बैंक पासबुक सी आई ए बी ठीक अच्छे कैस्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आधार कार्ड आउ बैंक पासबुक एतिकर जेरॉक्स नहीं निज स्कूल रे जो प्रधान शिक्षक थे देवे ठीक अच्छे मन रख ये किसी गुरुत्वपूर्ण घटनावल दी आपको जानवा निहा दरकार यही छात्रवृत्ति आवेदन निम्ते आवेदनकारी आधार नंबर प्रदान करने अनिवार्य मीनस जो पिलार आधार कार्ड ना तो हे तो सी आवेदन करना तेणु जो छात्री मान आधार ना से अनुरोध जे से यथाशीघ्र आधार पंजीकरण करेंगे द्वितीय कंडीशन है आधार निजर नाम मत ठीक थे पड़ो जी कौन पिलार स्कूल ना गोटे प्रकार अच्छे आधार कार्ड गोटे प्रकार ना अच्छी तो ये टे बड़ द्वंद्व सृष्टि करें हे तो से पिलार न भी पारे जदि से प्रकार किसी भूलभाल अच्छी तो आवेदन करने पूर्व आगे करेक्शन कर दिंतु आधार थी निजर नाम उपनाम उपनाम अर्थ हो सरनेम लिंग अर्थ हो पुरुष ना महिला मान स्त्री जन्म तारीख अर्थ डेट ऑफ बर्थ सठिक अच्छी कि ना ता निश्चिंत करूँ जदि आधार किसी त्रुटि थाए तेज आधार में संशोधन कर संशोधित आधार जेरक्स शिक्षक व प्रधान शिक्षक को देवे भारत सरकार निर्देश अनुजाई छात्रवृत्ति केवल आधार लिंक बैंक अकाउंट को ही प्रदान अर्थात एठार जो अर्थराशि कथा कहगला यहाँ दि जा कैश आकार ना बैंक अकाउंट दिह आई बैंक अकाउंट दिह जो बैंक अकाउंट सहित पिलार आधार कार्ड सठिक आधार कार्ड लिंक होती है से आधार कार्ड निहाती आवश्यक तेणु आपने यथाशीघ्र निजर बैंक शाखा प्रदर्शन करूँ आउ डीबीटी ग्रहण करने अर्थात एमाउंट ग्रहण करने बैंक सहित फर्म दाखल करूँ मीनस ये जो ना ता सहित कौन अन्य जो भी जिन गुड़ा भूल भाल थी आधार कार्ड करेक्शन करजर बैंक अकाउंट सहित लिंक करूँ जो छात्र मानते जाति मीनस कैश सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ना से अनुरोध कर जिला पोर्टाल अच्छी वेबसाइट ये इ डिस्ट्रिक्ट डट ओडा डट जीओ भी डट इन यहाँ तुम कैश सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यथाशीघ्र आवेदन करूँ आवेदन कलापर तार नकल नहीं प्रधान शिक्षक निकट को दाखल करूँ जो छात्री मैंने नवम श्रेणी पर छात्रवृत्ति पाई मैंने यहाँ स्पेशल बर्तमान जो मैंने टेन्थ पढ़ुं गत वर्ष नाइन्थ पढ़ला जो मैंने आवेदन करते हैं कौन जाति कि इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक पड़े ना कहीं अलरेडी गवर्नमेंट पाखे डाटा अच्छी ठीक अच्छे आज जो नुआर आवेदन करुँचु दरकार पड़े यही छात्रवृत्ति सहित अगर कौन प्राक मेट्रिक छात्रवृत्ति पाई ना यो छात्रवृत्ति कहला यह छात्रवृत्ति केवल यहाँ ही लागू अटे अगर कौन छात्रवृत्ति यही फर्माट गुड़ी लागू हम ना तो यह प्रकार पे मैंने किसी फर्माट थी जहाँ आपण मुझे जनइली तो चलो यथाशीघ्र निजर जो भी डॉक्यूमेंट अच्छी जोटा ना तुम पाखे यथाशीघ्र आवेदन करके हासिल कर आउ नहीं आवेदन कर प्रधान शिक्षक निकट में ठीक अच्छे तो चलो पे समस्त थैंक यू सो मच।